हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम भारत की प्रथम राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के जीवन के बारे में जानेंगे। पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल भारत देश का गौरव है। प्रतिभा जी एक सफल राजनेता, एक अच्छी समाज सेविका के रूप में जानी जाती है। अपने पिता से प्रेरित होकर प्रतिभा जी ने देश की राजनीति में कदम रखा था। जिस तरह इंदिरा गांधी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री है, उसी तरह प्रतिभा जी को प्रथम महिला राष्ट्रपति होने का गौरव हासिल है। प्रतिभा पाटिल जन्म व शिक्षा के कुछ बिंदु। पूरा नाम श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। जन्म 19 दिसंबर 1934। जन्मस्थान नंदगांव महाराष्ट्र। पिता नारायण राव पाटिल, पति देव सिंह रण सिंह शेखावत। बच्चे एक बेटा राजेंद्र सिंह, एक बेटी ज्योति राठौड़। राजनीतिक पार्टी कांग्रेस। श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारत की 12वीं और पहली महिला राष्ट्रपति रही। इनका जन्म 19 दिसंबर 1934 को महाराष्ट्र के जलगांव जिले में नंदगांव गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम नारायण राव पाटिल थे, जो एक राजनेता थे। प्रतिभा जी की प्रारंभिक शिक्षा जलगांव के आरआर विद्यालय से हुई थी। इसके बाद कॉलेज की पढ़ाई उन्होंने जलगांव के मूलजी जेठा कॉलेज से की। कानून की पढ़ाई के लिए वह सरकारी लॉ कॉलेज मुंबई चली गई। आगे इन्होंने राजनीति विज्ञान एवं अर्थशास्त्र में मास्टर की डिग्री प्राप्त की। स्कूल के दिनों से ही इनका रुझान खेल की तरफ रहा। कॉलेज में आकर इन्होंने बहुत से खेलों में भाग लिया। टेबल टेनिस की यह बहुत बेहतरीन खिलाड़ी थी। श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी जितनी हृदय से सुंदर थी, उतनी ही भारी खूबसूरती से भी सबको आकर्षित करती थी। यही वजह है कि उन्होंने 1962 में एमजे कॉलेज में कॉलेज क्वीन का खिताब जीता। 7 जुलाई 1965 को प्रतिभा जी ने देव सिंह रण सिंह शेखावत से विवाह कर लिया। प्रतिभा जी के एक बेटा एवं एक बेटी है। प्रतिभा पाटिल राजनीतिक रुचि। प्रतिभा जी ने वकालत की प्रैक्टिस जलगांव जिला कोर्ट से शुरू की। प्रतिभा जी का हमेशा से सामाजिक गतिविधियों के लिए कार्य करने का मन था। वे भारतीय महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए हमेशा कार्यरत रही। प्रतिभा जी का राजनीतिक सफर 27 साल की उम्र से तब शुरू हुआ जब वे महाराष्ट्र के जलगांव सीट से विधानसभा सदस्य बनी। 1962 से लगातार 4 साल तक प्रतिभा जी मुक्ति नगर विधानसभा से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की टिकट प्राप्त कर जीतती रही और एमएलए के पद में विराजमान रही। महाराष्ट्र के भूतपूर्व मुख्यमंत्री यशवंतराव चौहान एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता से वह बहुत अधिक प्रभावित हुई। यही वजह है कि राजनीति से जुड़ी हुई हर छोटी बात वे इनसे पूछती और उनसे समझ कर कार्य करती। महाराष्ट्र विधानसभा में कई साल वे अलग अलग पद में कार्यरत रही। सन 1967 से 72 के बीच श्रीमती प्रतिभा पाटिल शिक्षा के उप मंत्री का कार्य संभाला और साथ ही साथ दूसरे मंत्रालयों के कार्य देखे। श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी प्रदेश कांग्रेस समिति महाराष्ट्र की अध्यक्ष एवं महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष की लीडर भी रही। वे राष्ट्रीय शहरी सहकारी बैंक व ऋण संस्थाओं की निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ की शासी परिषद को सदस्य भी रही। इसके साथ ही साथ राज्यसभा में उनका नाम निर्वाचित किया गया। श्रीमती प्रतिभा जी 8 नवंबर 2004 को राजस्थान की गवर्नर बन गई, जहां उन्होंने 2007 तक कार्य किया। एपीजे अब्दुल कलाम के बाद राष्ट्रपति पद के लिए कांग्रेस की तरफ से प्रतिभा पाटिल का नाम सामने रखा गया। उनके सामने विरोधी के रूप में भैरव सिंह शेखावत थे। प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति कब बनी? 25 जुलाई 2007 में अपने विरोधी भैरव सिंह शेखावत को 3 लाख वोटों से हराकर श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी राष्ट्रपति के पद पर विराजमान हो गई। 2011 तक वह इस पद में विराजमान रही। वे 1982 से 85 तक महाराष्ट्र राज्य के जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अध्यक्ष भी रही। 1988 से 90 तक महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी PCC की अध्यक्ष रही। 1985 में श्रीमती प्रतिभा जी AICC की मेंबर बन गई। 1988 में वे राष्ट्रमंडल प्रेसिडेंसी अधिकारी सम्मेलन की मेंबर रही, जो लंदन में हुई थी। ऑस्ट्रेलिया में आयोजित स्टेटस ऑफ वीमेन कार्यक्रम में वे भारत की प्रतिनिधि के तौर पर सम्मिलित हुई। 1995 में
वर्ल्डर्स वीमेन्स कॉन्फ्रेंस जो बीजिंग में हुई थी, श्रीमती प्रतिभा पाटिल को प्रतिनिधि के रूप में चुना गया। प्रतिभा जी ने भारत के राजनीति को अपने जीवन के 28 साल दिए और उन्होंने इसे करीबी से देखा व समझा। प्रतिभा पाटिल जी के सामाजिक कार्य। राजनीति के अलावा श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी हमेशा सामाजिक कार्यों से भी जुड़ी रही। महिलाओं के कल्याण एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास के लिए श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी ने बहुत से कार्य किए। जलगांव जिले में महिला होमगार्ड की स्थापना की। निर्धन और जरूरतमंद महिलाओं के लिए सिलाई, संगीत एवं कंप्यूटर की कक्षाएं भी खुलवाई। पिछड़े वर्गों, गरीब एवं अन्य पिछड़े वर्गों के बच्चों के लिए नर्सरी स्कूल की स्थापना की। श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी ने अमरावती के दृष्टिहीनों के लिए एक औद्योगिक प्रशिक्षण विद्यालय एवं किसानों को अच्छी फसल उगाने की वैज्ञानिक तकनीकें सिखाने के लिए एसटी विज्ञान केंद्र की स्थापना की। मुंबई एवं दिल्ली में घर से दूर रहने वाले कामकाजी लड़कियों एवं महिलाओं के लिए हॉस्टल खुलवाए। राष्ट्रपति बनने के बाद प्रतिभा जी ने महिला विकास की ओर विशेष ध्यान दिया। महिला व बाल विकास के लिए कई कार्य किए और कई नियमों का उल्लेखन प्रतिभा जी ने करवाया। प्रतिभा जी ने राष्ट्रपति पद पर कार्यरत रहते हुए एक अच्छी सामाजिक कार्यकर्ता भी थी। वह समय समय पर बच्चों व महिलाओं से मिलकर उनकी समस्या सुनती थी और उनके निदान के लिए तुरंत कदम उठाती थी। एक महिला होते हुए भी श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी राष्ट्रपति पद तक पहुंची और सफलतापूर्वक कार्य संभाला। उन्होंने इस बात को गलत साबित कर दिया कि औरतें सिर्फ घर तक ही सीमित हैं, मौका मिले तो वह देश को भी खूबसूरती से चला सकती हैं। प्रतिभा जी के राष्ट्रपति बनने के बाद देश की हर महिला उनसे विशेष उम्मीद लगाए बैठी थी। सबको उम्मीद थी कि प्रतिभा महिलाओं के लिए अच्छे कार्य करेगी। इस बात को उन्होंने सच कर दिखाया और आज देश की हर महिला को प्रतिभा जी पर गर्व है। सभी के लिए श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी एक प्रेरणा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।